से अमृतसर को जाने वाली गाड़ी नंबर 1305 में गाड़ी के पेंट्री कार के मैनेजर ने पटना चढ़े लड़के और उसके साथ एक लड़की के साथ बदतमीजी की। वहीं बात पानी की बोतल के लेकर हुई थी, क्योंकि रेलवे का नियम है कि गाड़ियों में सिर्फ रेल नीर ब्रेड का पानी बिकेगा, मगर गाड़ी संख्या 1305 में कोई लोकल ब्रांड का पानी पब्लिक को दिया जा रहा था और वो भी निर्धारित मूल्य से 5 रुपए ज्यादा। जब प्रतीक ने इस बात का विरोध किया तो पानी बेचने वाला गुंडागर्दी पर उतर आया और उसने अपने मैनेजर को बुला लिया और फिर बात हाथापाई तक आ गई और पेंट्री कार के मैनेजर ने लड़की को गले से पकड़कर धक्का मार दिया और फिर प्रतीक ने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत की तो अगले स्टेशन पर पुलिस से आकर पेंट्री कार के मैनेजर और 3 सर्विस करने वाले लड़कों को गाड़ी से उतारकर साथ ले गई। इस गाड़ी में हमारी टीम व इसके अलावा बहुत सी खामियां ऐसी भी थी कि डिब्बों में जनरल टिकट लेकर कोई भी बैठ रहा था। जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग करवाई थी उनको भारी मुश्किलें आ रही थी और गाड़ी में सफाई का भी बुरा हाल था, जबकि एसी का टिकट साधारण से 3 गुना ज्यादा है। फिर भी रेलवे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम ना कोलकाता से चढ़े हैं, अभी तक हमने पानी नहीं पिया क्योंकि आपने पानी नहीं दिया। एक मिनट सुनिए, पानी नहीं दिया, हमारी बात नहीं सुनोगे? हम हावड़ा से चढ़े हैं, हमने अभी तक पानी नहीं पिया है क्योंकि आपकी ट्रेन में ओरिजिनल पानी नहीं है, मिल ही नहीं रहा है दिल्ली, हम क्या करें? तो ये किसके जिम्मेवारी है लेना है? तो जो जो पैसेंजर है, जो पैसेंजर है, नहीं जिनसे लिया होगा ठीक है, हम पूरा वीडियो पंजाब मेल में का ट्रेवल कर रहे हैं, यू आर गोइंग कहाँ सड़े से ना आज कहाँ जाना है आपको? लुधियाना। आपको बोतल कितना का दिया? ये देखिए बोतल, बोतल का ये बोतल कितने का दिया आपको? कितना का दिया? 20 रुपए का दिया ना, ठीक है धन्यवाद। नहीं यहाँ पे लिखा देखो जो बोतल दिख रहा है वहाँ, वो कितना का मिला आपको? 20 रुपए का ट्रेन वाला दिया आपको, 20 रुपए का दिया ना। आप बताइए ये जो आपको पानी दिया गया है कितने रुपए का दिया गया है? 20 का दिया गया। बोतल दिखाइए ना जरा अपना, ये बोतल है। आपने इनसे रेल नीर नहीं मांगा था क्या? रेल नीर नहीं मांगा आपने? ठीक है, बताइए आपको ये पानी जो है आपको कितने का दिया गया? ये 20 का दिया, उसे बोले 15 का मिलता है तो बोला नहीं 20 का। ये पानी सही है? दिखाइए कौन सा पानी है। ये देखिए बिजार डुप्लीकेट पानी है और आपको 20 का दिया गया जिसका रेट थी 10 रुपए। नमस्ते, मेरा नाम सीमा सिंह है। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल्स के जरिए TV1 के जरिए एक मैसेज आपको शेयर करना चाहती हूँ। ये ट्रैवलिंग के जरिए जो हमारे साथ डेली घटती रहती है, हमें बाहर से ट्रैवलिंग में IRCTC के जरिए हमें जो रेल नीर मिलना चाहिए वो रेल नीर के बदले हमें ये बिजारी बॉटल दिया जाता है जिसमें रेट होता है 15 रुपीज और उसका चार्ज लिया जाता है पूरी बोगी में आपसे 20 रुपीज। इसके लिए मैंने उससे कंप्लेन भी किया, मैंने बोला आप मुझे अपने मैनेजर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने बात तक नहीं करने दिया और यहाँ से झगड़ा करके और हमें माँ बहन की गाली देते हुए यहाँ से आगे निकल गया बंदा, जिसके बिहार में मैंने उस पर हाथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? बिकॉज वो बंदा मेरे से हाथापाई करने लगा, इसकी वजह से बोलता है जाओ जो करना है जिसको बुलाना है उसको बुलाइए। फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल करने के बाद जब वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस से बातचीत हुई, उसके बावजूद भी वो बंदे का तैश कम नहीं हुआ, वो अभी भी ऐसा पुलिस के आने के बाद फिर भी उसने माफ़ी मांगा मुझसे, सारी चीज़ें सॉल्व हुई। उसके बावजूद दोबारा जब पुलिस के जाने के बाद मैंने जब बयान वापस दे दिया, मैंने ठीक है चलो आपको सुधरने का एक मौका दिया जा रहा है आप अपना काम करिए, बोला गया कि लखनऊ से मैं पानी रेल नीर का दूंगा, वहाँ से अभी तक रेल नीर का पानी नहीं आया है, रेल नीर का पानी नहीं आया है, हमें यही डब्बा दिखाया गया है। और बंदा देखिए अभी भी कौन सा पानी आ रहा है, देखिए अभी भी कौन सा पानी मिल रहा है, लखनऊ क्रॉस हो गया
अभी देखिए कौन सा पानी मिल रहा है, देखिए कौन सा ब्रांड का पानी है, पानी आ रहा है। देखिए अभी इसके जरिए आप बताइए 20 रुपये पर बोग के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से, अगर एक बोगी में 72 बंदा है तो पूरी बोगी का आप जोड़िए कितने बंदे को होगा। आज कलकत्ता से, हावड़ा से जितने बंदे आए वो लोगों के एसी में मैंने जाके बात की, वो लोग बोले मुझे नहीं मिला है पानी। मैंने बोला मुझे रेल नीर चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने पानी नहीं लिया और आज भी वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, मजबूरी बस पानी को लेके पी रहे हैं। सारे ग्रुप में आके उसके बाद सारा सॉल्यूशन होने के बाद मैंने जब दोबारा पानी मांगा तो ये बंदा जो अभी आया था, जो आपके सामने था, वो बंदा वापस चला गया तैश में, गुस्से में चला गया कि मेरे मैनेजर को आपने कंप्लेंट क्यों की ये दिखाते हुए, और हमें धमकी दी जा रही थी कि खाना इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, ये सारा यहाँ पे हुआ है बैटर। मैं ये चाहती हूँ कि रेल नीर में आप सुधार कीजिए, अगर यहाँ पे कोई भी सरकार हो, सरकार अगर इतना आगे जा रही है तो ये चीज को लेकर बैटर को आप आगे बढ़ाइए, इसमें सुधार कीजिए। बोलता है वो लोग बोलते हैं मुझे इस पे कमाई मिलती है, इस पे क्या कमाई मिलती है, ये कहाँ से स्टॉक आता है मुझे ये जानना है। अगर रेल नील बोलते मुझे नहीं मिल रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग जो उधर गए, यहाँ से कुछ ही लोग जो आगे 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 बैठे हुए हैं, मैंने वो सारा वीडियो आपके चैनल के जरिए शेयर कर रही हूँ, आप इसको अपने जरिए आप शो कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। ये पानी जो आपको दिया गया कितने का दिया आपको? 15 रुपए का? 15 का दिया है। 15 का दिया है। ये जो पानी आपको दिया कितने का दिया? ये 15 रुपए का दिया है। पहले 20 मतलब मीडिया का खबर का आपको असर हो रहा है ना कुछ जो भी अभी 15 का दिया, मतलब मीडिया अच्छा काम कर रहा है। ठीक है चलिए बताइए, ये जो आपको पानी मिला है बोतल कितने का मिला आपको? 20 रुपये मिला है। 20 रुपये में मिला। अच्छा ओके, आपको क्या लगा? हम लोग गलत थे वहाँ पे, हम लोग सही थे, आप बताइए। नहीं आप तो सही बोला, जो 20 रुपए ले रहा था, हम लोगों ने उसको पहले बुलाया था कि भाई आप मुझे, आप अपने मैनेजर को बुलाओ, बिकॉज आप जो पैसा दे रहे हो हमारे से, बिकॉज अभी कस्टमर हम लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे टिकट बुक किए, क्या किया उसने, आधा ही झगड़ा किया, 1 घंटे के बाद आया हूँ। आप देखे ना हाथ उठाया सबके, वो लोग हाथ उठाया देख रहे ना सबके हाथ उठाया। ठीक है तो पॉलिसी ले रहा है इसका रेट, ठीक है तो 15 रुपये रेट ले रहा है, 20 रुपये ले रहा है। ठीक है बनारस से, आप बनारस से चढ़े हो, जो आपने पानी लिया आपको कितने का दिया गया? अभी 15 का दिया, पहले कितने का दे रहे थे? पहले 20 का दे रहे थे। मतलब मीडिया का खबर से आपको असर लग रहा है ना, पहले 20 का दे रहा था, 15 का दे रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट, पंजाब। गुराए के शहर पंजाब में तकदीर होटल की ओपनिंग की गई, जिसकी ओपनिंग रेसलर ग्रेट खली दिलीप सिंह के द्वारा किया गया। यहां के मुख्य मेहमान ग्रेट खली तथा पंजाबी सिंगर कलेर कंठ और सिंगर सुखा दिल्ली वाले भी मौजूद थे। होटल के मालिक मिस्टर जीवन लाल ने बहुत ही सम्मान से उनका स्वागत किया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रविन्द्र कुमार की रिपोर्ट, फगवाड़ा, पंजाब।